से पर्यावरण के सीटेट की नोट्स के बारे में आपसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, काफ़ी दिन से लगातार लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं, सर आपके नोट्स कैसे मिल पाएंगे और कहाँ मिल रहे हैं। तो बाकी आपको पता है, ये सारे नोट्स आपको उपलब्ध ही हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मेरे नोट्स सीटेट के लिए पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सीटेट के प्रीवियस 5 ईयर के पेपर को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर 2018 के पेपर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मार्केट में जितनी भी किताबें, जितनी भी नोट्स हैं, उनको एक तरफ के पढ़ लेते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में जो किताबें मार्केट में हैं, उसमें से प्रीवियस ईयर पेपर में एक भी क्वेश्चन की टैली नहीं होती। फिर प्रश्न उठता है क्या पढ़ा जाए और कहां से पढ़ा जाए। तो उसके लिए दोस्तों, मैंने आप सबके लिए काफ़ी मेहनत करके पूरे नोट्स तैयार कर लिए हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आज पर्यावरण नोट्स की बात करते हैं। इसी तरह हर दिन अपने अपने एक एक नोट्स की व्याख्या वो करेंगे। यदि आपको जरूरत लगेगी तो आपका मोस्ट वेलकम था, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आते हैं सीटेट की पर्यावरण की नोट्स की क्या क्या खासियत है। देखिए, हमने पहले तो बनाया है ये पर्यावरण की नोट्स, ये नोट्स लग 4 टुकड़ियों में मैंने तोड़कर बनाया है। कितने टुकड़ी में? 4 टुकड़ों में तोड़कर हमने बनाया है। देख रहे हैं ना, ये पर्यावरण की जो नोट्स है, इस नोट्स को मैंने 4 टुकड़ों में तोड़कर बनाया है। उन 4 टुकड़ों के बारे में समझते हैं। पहला पार्ट, पहले तो इसमें हमने कक्षा 3, 4 और 5 के EVS की किताबों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है, जो आसपास की किताबें हैं। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ से कॉपी पेस्ट एक तरह से किया गया है। तो इसलिए मैंने कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। अब मेरी नोट्स आप क्यों लेंगे? क्योंकि आप कक्षा 3, 4, 5 की जो मोटी मोटी किताब इतना पढ़ेंगे, एक एक महीना करके 3 महीने में जो खत्म करेंगे, वो मात्र आप 15 से 20 पेज में खत्म कर देंगे। दूसरे कदम पर चलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है शिक्षण का। शिक्षण के लिए कितनी किताबें पढ़ेंगे? और आपको सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपने अगर प्रीवियस ईयर या अन्य मार्केट किताबें देखी होंगी, आप खुद से संतुष्ट नहीं होंगे उनके शिक्षण को देख के, क्योंकि उनके शिक्षण और सीटेट पूछे जाने परीक्षा में, सीटेट में, दोनों में बहुत ही अंतर रहता है। इस हिसाब से शिक्षण आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 पार्ट हुआ, एक पूरा NCERT कक्षा 3, 4, 5, दूसरा शिक्षण, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, फिर अगला कदम होता है जो पर्यावरण का है। तो कदम है पूरा पर्यावरण का। यह पर्यावरण आप CTET में, GPTET में, SuperTET में कहीं भी यूज कर सकते हैं, यह पूरा वन लाइनर है, ठीक। फिर हो गया, अभी तक मेरे नोट्स के 3 पार्ट हुए, पहला NCERT, दूसरा पर्यावरणीय शिक्षण, तीसरा क्या मिला आपको? तीसरा जो मैंने सेट बताया आपको, वह बताया क्या, भूल गया? देखिए, सबसे पहला हमने क्या रखा? कक्षा 3, 4, 5 की EVS की रखा है, क्योंकि वह आसपास किताब से हुबहू प्रश्न पूछे गए। दूसरे पार्ट में हमने क्या रखा है? दूसरे पार्ट में हमने शिक्षण को जगह दे दिया है। तीसरे में मैंने इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है उसको जगह दी, जो इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 सेक्शन अभी तक बनकर तैयार हुआ। अब आते हैं इस नोट्स की खासियत चौथे सेक्शन में। चौथे सेक्शन में मैंने एक बात का विशेष ख्याल रखा है कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप किसी परीक्षा में अगर बैठे तो पर्यावरण क्वेश्चन बाहर से ना आने पाए, और यही नोट्स आपके UPTET में भी काम आ जाएगा। जबकि इसमें कुछ संशोधन के बाद ही, मतलब कुछ चीज़ें निकालने के बाद ही आप UPTET में इसका यूज कर सकते हैं। अब और आगे बढ़े, हमने कक्षा 6, 7, 8 की जो भूगोल है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक उठा लिया गया, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में पूछा गया था। फिर साइंस के कुछ टर्म्स ऐसे थे जो NCERT किताबों से थे, उसको हमने उठा के इसमें डाल दिया। फिर आते हैं हिस्ट्री के कुछ ऐसे पोर्शन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो महत्वपूर्ण लगे, उसका भी समावेशन कर दिया गया। मतलब यह पर्यावरण का नोट्स पूरी तरह से NCERT पैटर्न पर तैयार हुआ है, और इस किताब को, इस नोट्स को पढ़ने के लिए आप कम से कम 20 से 25 किताबें खरीदेंगे बाजार से, तब जाके इस नोट्स के बराबर आप पढ़ पाएंगे। लेकिन 20-25 किताब की मोटाई इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, और मैं जो आपको नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ वो चंद टॉपिकों में सिमट गया है। मैंने टोटल अगर हम पेजेस देखें तो शायद लगभग ये नोट्स 106 से इसे कुछ पेज का है, मतलब कि 20 किताबों का निचोड़ आपको लगभग 100 पेजों के अंतर्गत मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है इसके बाद भी क्या है? जी, इसके बाद ही मैंने 2 पार्ट को और बनाया है, जो CTET को और महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि आपको CTET का प्रीवियस ईयर का पेपर, CTET का सॉल्व पेपर सभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल दुर्गेश सर सर्च करिएगा इलेनी बी दुर्गेश, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश पर भी जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और यह नोट्स आपको कहाँ उपलब्ध होगा ये भी हम बताते हैं। देखिए, फिर अगला आता है NCF 2005 में हमने सभी शिक्षण को पूरी तरह से इकट्ठा कर दिया है, और सबसे बड़ी बात, जब इसको पढ़ के आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। शायद ही आपके पास उपलब्ध भी हो NCERT के रूप में। यह है NCF 2005 स्कूल क्षेत्र आकलन और विषयों का शिक्षण, ये आपके महत्वपूर्ण है, ये सभी विषयों का है, और ये आपको पर्यावरण के साथ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद ये, और फिर आते हैं सीखना और ज्ञान, NCERT 2005 सीखना और ज्ञान, यह 3 ऐसे अहम नोट्स हैं जो आपको CTET में
पर्यावरण में गारंटेड 30 में 25 कराएंगे। फिर कहेंगे सर आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इस नोट्स को पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो किसी ईयर में तो 30 में 30 कर जाएंगे, किसी में 30 में 28, किसी में 30 में 27, माने 25 से कम कोई ऐसा साल नहीं होगा जहां आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 2 से 3 साल के पेपर सॉल्व करने के बाद फिर जब आप और बढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से 30 में 30 करेंगे और पेपर चाहे जैसा हो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है सीटेट का, वह कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप पूरी तरह से सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे पर्यावरण के दृष्टिकोण से। इसलिए अभी तक तो मैंने आपको दिखाया ये पर्यावरण का केवल नोट्स था और जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और था। अब ये प्रश्न उठता है ये नोट्स आपको कैसे प्राप्त होंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला, आपको यदि केवल सारे नोट्स चाहिए तो आप 6306344367 पर जाकर नोट से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं, सभी नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, पांचों विषयों के नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको केवल पर्यावरण की नोट चाहिए, केवल पर्यावरण की, तो आप हमें अन अकेडमी पे दुर्गेश कुमार जायसवाल के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे प्लस कोर्सेज प्रारंभ हुई हैं, सभी जो सबसे बेस्ट एजुकेटर जो हैं वो वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन में जाइएगा और रेफरल कोड हमारा यूज करिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, बिना स्पेस के ई लर्निंग विथ दुर्गेश। जैसे ही आप इलर्निंग पे दुर्गेश डालेंगे तैसे ही आपको 10% की डिस्काउंट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप जब 10% डिस्काउंट होगी तभी आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर पाएंगे। वहां से आप हमारे सारे नोट्स को, इस नोट्स की संपूर्ण व्याख्या, मतलब वीडियो लेक्चर, संपूर्ण व्याख्यात्मक और साथ ही साथ अन्य सभी जो बेस्ट एजुकेटर है उनके भी नोट्स आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे यहाँ पांचों सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको पर्यावरण और मैथ के नोट्स प्रॉपर वे में केवल चाहिए तो आप अनअकैडमी इंस्टॉल करिएगा, प्लस कोर्सेज पे जाइएगा और वहाँ पे ई लर्निंग विद दुर्गेश सब्सक्रिप्शन में जाइएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश। जैसे डालेंगे पर मंथ जो 1000 रुपये फी है वो आपको 900 रुपये में हो जाएगी, और जैसे मेरा सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे वैसे आपको मेरी नोट्स आपको कंप्लीट फॉर्मेट मिल जाएगी, और साथ ही साथ उस नोट्स की संपूर्ण व्याख्या भी आपको मिल जाएगी, और उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो आप अनअकैडमी से ले सकते हैं, और सभी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप प्रयास करिएगा कि अनअकैडमी पे ही जुड़ के आप वहाँ पे रेफरल कोड इलानी विद दुर्गेश ज्वाइन करके, क्योंकि वहाँ पे 900 रुपये में शायद आपको संपूर्ण मिल जाएगा, और एक महीना आपके लिए समय है, एक महीना आपको क्रैश कोर्स हो जाएगा और उस क्रैश कोर्स का आपको फायदा हो जाएगा। अन्य सभी सब्जेक्ट भी वहाँ मिल जाएंगे, सभी के नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, सभी की वीडियोज लेक्चर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आप सभी की वीडियोज देख पाएंगे। जैसे ही आप इलानी विद दुर्गेश डालेंगे आपको सबसे पहले क्या होगा, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट। उसके साथ जितने भी एजुकेटर हैं आप उनको भी हमारे साथ देख सकते हैं, सबको, सबकी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी नोट्स तो आप जब मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो मेरी नोट्स आप आराम से डाउनलोड करेंगे, लेकिन जब ई लर्निंग भी दुर्गेश करेंगे तो पूरी टीम वहाँ जितनी है सबके नोट्स, सबके वीडियो लेक्चर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो अब आप देर नहीं करिएगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा आपके सर पे है, और सबसे बड़ी बात जो मेरे नोट्स तैयार किए गए हैं ये सीटेट के लिए प्रॉपर पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ ये आपके परीक्षा दृष्टिकोण से जिस तरह से मैंने बनाया है, जिस तरह से मैंने इसको टाइप करवाया है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक दो गलतियाँ, माइनर मिस्टेक है इसमें, अभी सुधार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, कि हाँ जब मैंने इसकी वीडियोज बनाई है तो आप मैंने पूरी तरह से प्रॉपर वे में सुधार करते हुए मैंने इसकी व्याख्या भी कर दी है। इसलिए यदि आप चाहते हैं सीटेट में पर्यावरण में कुछ बेहतर करना तो आप एनसीईआरटी की किताबें, अन्य किताबें, शिक्षण अगर अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं तो आपके पास समय ज़्यादा लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। भैया अगर 200 रुपये किताब है, 10 किताब खरीदा आपने 2000 रुपये किताबें हो गई, और 2000 किताबें पढ़ना आसान नहीं, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें निकालना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, तो वह इकट्ठा करके मैंने आपको अपने नोट्स में आपको उपलब्ध करा दिया है। अभी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कैसे इसको लेते हैं। आप अनअकैडमी से भी ले सकते हैं, अनअकैडमी पर दुर्गेश कुमार जायसवाल या दुर्गेश कुमार जायसवाल साहब में सर्च कर सकते हैं, और रेफरल कोड जब प्लस कोर्स में जाएंगे, अगर आपको प्लस कोर्स चाहिए तो वहाँ पे आप इलर्निंग विद दुर्गेश का जैसे ही कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जैसे डिस्काउंट मिलेगा वैसे आप सभी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, सभी की वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के आप कई लोगों के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो ये अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए मेरे नोट्स बेहतर है, वो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे, आप खुद ये कहेंगे वास्तव में दुर्गेश सर के नोट्स पर्यावरण के लिए दी बेस्ट है। अगर आप मुझे पहले से जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि हमारे नोट्स की खासियत क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाएं आपने दी होगी, यूपीटेट, सीटेट, मेरे नोट से हर साल ऐसा है कि 20 से ज्यादा क्वेश्चन हूबहू पूछे गए या थोड़े परिवर्तन के साथ पूछे गए, माने कोई ऐसा ईयर नहीं है जहां पे 20 से ज्यादा प्रश्न मेरे नोट से ना पूछे गए हो। तो बस आपको अगर संपूर्ण नोट चाहिए, क्योंकि देखिए संपूर्ण नोट भी हम
अगर चाहिए इतिहास उपलब्ध है, यहाँ से आप कॉल व्हाट्सएप या मैसेज करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कॉल करके। क्योंकि बड़ी बात यह है, आप किताबें पढ़ते हैं, अगर 300 रुपये किताबें, 5 किताबें पढ़े 1500 रुपये किताबें हो जाती हैं। लेकिन 5 किताबें पढ़ना कितना है, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ से पढ़ना, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं। और हम आपको उन सभी चीज़ों का समावेशन एकदम कम समय में, तय समय में और एकदम छोटे में निचोड़ कर आपको दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि आप जो 5 से 7 किताबें पढ़ के इकट्ठा करेंगे मैटर, वो मैं आपको एकदम कम से कम में दे दूंगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा, यदि आप पर्यावरण की नोट्स मुझसे लेना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं पर्यावरण में 30, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और साथ ही साथ ये UPTT CTT SuperTT सभी के लिए आपको काम आ जाएगा। क्योंकि उस तो बाद में बताऊँगा मैं क्या क्या चीज़ उसकी है जो UPTT में काम आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें UPTT में काम नहीं आएगा, क्योंकि इस नोट्स को CTET के दृष्टिकोण से बनाया गया है। और आपको पता है मार्केट में अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं है जो CTET के लिए प्रॉपर वे में हो। जितनी भी कोचिंग संस्थान चल रही है सब जितने भी हैं वो कर क्या रहे हैं, वो आपको UPTET की तरह पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो वहाँ पे UPTT CTT क्वेश्चन एकदम डिफरेंट, एकदम अलग है। इसलिए मैं NCF 2005 जो मैं आपको दूंगा, वो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप NCF 2005 से कर लेंगे। इस प्रकार ये मेरे नोट्स की एक छोटी सी रूपरेखा थी। तो मैं उम्मीद करूंगा आप अनअकैडमी पे वहाँ पे हमको फॉलो करेंगे, ई लर्निंग दुर्गेश नाम से सर्च करेंगे, रेफरल कोड डालेंगे दुर्गेश कुमार जायसवाल, सर्च करेंगे ई लर्निंग दुर्गेश रेफरल कोड है, जैसे ई लर्निंग दुर्गेश डालेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इस नोट्स की डेमो वीडियो 5 वीडियो अनअकैडमी पड़ी है, शाम तक हो सकता है 5 और पड़ जाएगी, 10 से 20 वीडियो हो जाएंगी जहाँ पर आप इसकी डेमो देख सकते हैं, इस नोटिस खासियत दे सकते हैं। फिर यदि आपको लगता है नहीं आपको इसमें जुड़ना चाहिए, आपको नोट परचेज करना चाहिए, तो जरूर जाइएगा, क्योंकि 900 रुपये में आप पूरे यूपी के, भारत के बेस्ट एडुकेटर को पढ़ पाएंगे। जब ई लर्निंग विद दुर्गेश बिना किसी स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश डालेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस सेट अगर आदि उपलब्ध कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सर्च करना दुर्गेश सर बिना स्पेस के, वो भी जैसे ही आप दुर्गेश सर डालेंगे, दुर्गेश सर डालने के बाद क्या होगा, आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर ई लर्निंग विद दुर्गेश, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह लर्निंग विद दुर्गेश आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हर जगह आपको केवल एजुकेशन की चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यह नोट्स काफ़ी किफ़ायती है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको यदि नहीं है तो इसकी डेमो आपको देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी पड़ी है, हमारे फेसबुक पड़ी है, जहाँ नोट्स की डेमो आप आसानी से देख सकते हैं। पुनः मैं आपको दिखा दूँ, यह पूरे नोट्स हैं जो पूरी तरह से तैयार किए गए हैं, ये देखिए ये नोट्स हैं, एक बार आप लास्ट देख लीजिएगा। यह नोट्स है जो NCERT कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी को मिलाकर बनाई गई और बाजार में जितनी भी किताबें सबसे बेहतर किताबें उनसे कुछ कुछ पंक्तियां उठा के इसमें डाली गई हैं। मतलब एक बेहतर नोट्स बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 किताबों का सहारा लिया गया और यह NCERT 2005 है। ठीक, ये NCERT 2005 है, इससे भी आप परिचित होंगे, क्योंकि हर साल NCERT 2005 से कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हुबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ पूछे जाते हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन इसके और यहाँ पे मिला जुला के अगर आप शिक्षण बेहतर करना चाहते हैं, आप संपूर्ण नोट्स परचेज कर लेंगे। संपूर्ण नोट्स को टोटल 10 नोट्स मेरे पास हैं उपलब्ध। और अगर आप केवल पर्यावरण चाहते हैं तो अनअकैडमी से ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी नोट्स भी मिल जाएंगे और अनअकैडमी, और ये जो हमारे यहाँ जो संपूर्ण नोट्स मिलेंगे वो स्पीड पोस्ट होंगे, आपके घर तक जाएंगे, डायरेक्ट आपके घर पर उपलब्ध होंगे नोट्स, इसलिए आप जरा से परेशान न होइएगा। हाँ, इस वीडियो लिंक और तक शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन अन्य किसी व्यक्तियों के यह वीडियो काम हो सकता है। एक बात हम और आपसे पूछना चाहेंगे, एक छोटा सा प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया है कि कक्षा 3, 4, 5 में चलने वाली पर्यावरणीय किताब का नाम क्या है, कक्षा 3, 4, 5 में चलने वाली पर्यावरणीय किताब का नाम क्या है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि वही नहीं पता रहेगा तब कैसे पेपर हम लोग लेकिन, क्योंकि यहाँ से 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने एक बार ये भी पूछ लिया कि उनका नाम क्या है, कक्षा 3, 4, 5 में चलने वाले किताबों के नाम क्या है, पर्यावरण की किताबों के नाम क्या है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स दीजिएगा, इस वीडियो लिंक को अन्य सभी तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए ना करिए, सब्सक्राइब करिए ना करिए, क्योंकि अनलाइक करने के लिए कुछ लोग पहले से तैयार होंगे, जैसी वीडियो आएगी दुर्गेश सर की पहला काम अनलाइक करेंगे। लेकिन आप लाइक या अनलाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो लिंक को सभी तक शेयर कर दे, हो सकता है आपको मेरी नोट्स जरूरत ना हो, हो सकता है किसी व्यक्ति को जरूरत हो नोट्स की, क्योंकि ये स्कोरिंग है 30 में 30 अगर आप लाते हैं तो अभी आपकी लड़ाई 120 की बची हुई है और आपको मात्र 90 नंबर चाहिए, तो 60 नंबर आपको और जरूरत पड़ती है कितने में से, 120 में से। इसलिए आपकी आगामी लड़ाई ये आधा 50-50 कर देगी, इसलिए यह नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप ये भी पता होगा पर्यावरण की नोट्स मेरे बारे में अगर आप जानते होंगे तो इस बात से भली भांति परिचित होंगे, मेरे नोट्स पर्यावरण के लिए रामबाण साबित होते हैं, पर्यावरण और मैथमेटिक्स और बाल विकास के। इसलिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है, इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, अनअकैडमी पे ई लर्निंग विद दुर्गेश रेफरल कोड, दुर्गेश कुमार जायसवाल प्रोफाइल नेम, आप दोनों से सर्च करके
आप जा सकते हैं, लेकिन आप कोड यूज करना है ई-लर्निंग बुद्रगेश। बिना ई-लर्निंग बुद्रगेश के आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और डिस्काउंट साथ साथ आप सभी एजुकेटर को तब देख पाएंगे जब ई-लर्निंग बुद्रगेश डालेंगे, तो इसके साथ जितने एजुकेटर हैं मेरे नोट्स और सभी के नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप अनअकैडमी पे या हमारे यहाँ इस नंबर पे दोनों संपर्क करेंगे अगर आपको जरूरत होगी तब। नहीं जरूरत है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथ अन्य सभी साथी को या अन्य किसी साथी को जरूरत हो और वो इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो की भांति वो हम तक पहुंचे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लिंक को शेयर करने के लिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।